इंटरव्यू में यह है कि जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपके पास, मान लो आईपीएस बन गया, आपके पास कोई व्यक्ति है, बोला मेरा ऐसे ऐसे करके उसने जमीन हड़प ली, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है ना कि वो झूठी शिकायत कर रहा है। आप चले गए, ठीक है भाई जमीन बढ़ गई तो लाओ उसको अंदर, ये नहीं होना चाहिए। दूसरे की भी सुननी है, उसकी भी सुननी है, बाहर से भी सुननी है, हर एस्पेक्ट को कवर करना पड़ता है अपन को, संविधान से जुड़ा हुआ रहना पड़ता है। एनकाउंटर का बोले कि आप ये बड़ी सिचुएशन देते हैं कि ऐसा हो गया, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसने छोटी बच्ची का रेप कर दिया, एनकाउंटर करोगे या नहीं करोगे? नहीं, एनकाउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि एनकाउंटर को अगर अपन ने मूल्य बना दिया ना, तो फिर तो सारे एनकाउंटर करेंगे, बोलेंगे हाँ भाई ये तो बहुत खराब था, एनकाउंटर कर दो, तो फिर वो न्याय की संकल्पना खराब हो जाएगी ना सारे। बैलेंस्ड व्यू, अच्छी बोलने की स्किल, वो आएगी आपके शीशे में देख के बात करने से। एक जैसे आप 30 सेकंड अप्रोच होती है, कोई भी क्वेश्चन है ना, तो टाइमर सेट कर लेना चाहिए, 30 सेकंड में उसको आंसर देना चाहिए। कोई भी चीज पूछ ली आपसे कि जैसे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण है तो उसके बारे में बताओ क्या आपका मत है, तो 30 या 40 सेकंड, 45 सेकंड या 1 मिनट, ये आप फिक्स स्टॉप वॉच करके उतने सेकंड में उसको कंप्लीट करने का ट्राई करो। एक ये अप्रोच होती है, मिरर प्रैक्टिसिंग होती है, मिरर के सामने बैठ जाओ, खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद से आंसर दो, फेस के एक्सप्रेशन पता चलेंगे, आई कॉन्टेक्ट पता चलेगा कि कितना आई कॉन्टेक्ट कर रहा है, भाषा में कुछ शब्दों के स्तर पर गड़बड़ हो रही है, अटक रहे हैं, वो पता चलेगा। उसके अलावा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए, 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, क्योंकि सारे न्यूज़पेपर ना एक विचारधारा के नहीं होते, कुछ अलग विचारधारा होंगे, कुछ थोड़े अलग विचारधारा होंगे, तो हमें सारी विचारधाराओं का पता होना चाहिए, क्यों देश तो सबका है ना, जो राइट विंग है उनका भी देश है, जो लेफ्ट विंग है उनका भी देश है, और जो मिडिल के है उनका भी देश है, तो तीनों विचारधाराओं को लेके उसके हिसाब से एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। वैसा नहीं है कि आतंकवाद में पूछ लिया बैलेंस देने लग गए कि नहीं जी देखते हैं उनका भी, उसमें तो स्टैंड लेना ही लेना है कि भाई आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस है। ऐसा नहीं है कि करप्शन कर दिया, उसके बच्चे बीमार हो रखे हैं, उसकी वाइफ ऐसे ऐसे है, तो बोलो क्या करोगे, नहीं जी उसको छोड़ देंगे, ना, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस। जहां पे स्टैंड लेना है लेना ही है स्टैंड, जहां पे मध्यम मार्ग बनाना है वहां पे बनाना ही है। बाकी अच्छा है, बड़ी एड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा ढंग से जाके बोलने की प्रैक्टिस करो, अच्छे मॉक तो 5-6, और जो ज्यादा मॉक भी नहीं देने चाहिए, मतलब ज्यादा मॉक देने से क्या होता है कि खुद पे डाउट होने लग जाता है कि क्या, अलग अलग रिव्यू आता है ना, हर आधे घंटे में पूरी पर्सनैलिटी जज कोई नहीं कर सकता। सिगमंड फ्रॉयड ने बोला था कि जो आप बोल रहे हो ना मुंह पे, वो सिर्फ आपका 5% ही है, बाकी 90% है ना, 95% वो आपके अंदर है, वो आपको भी नहीं पता आप कैसे हो, तो सामने वालों को क्या पता चलेगा, है ना। तो आइडिया ये है कि अपन को वहां पे भी एक तरीके से अपन को प्रेजेंट करना है ना, तो अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, थोड़ा फॉर्मल पहन के वहां पे जाके अच्छे से सारों को विश करो, आई कॉन्टेक्ट अच्छा रखो, कॉन्फिडेंस रखो, एक स्माइल रखो फेस पे, बस इतना ही होता है भाई। मतलब बहुत से लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं ना, वो भी यही बताते हैं भाई कुछ स्पेशल नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ था इंटरव्यू, उनके अच्छे आ जाते हैं। कई लोग बैलेंस्ड व्यू के स्तर पर मार्क खा जाते हैं, अच्छे व्यू नहीं दे पाते, तो उनके साथ में गलत हो जाता है। एक को दोस्त को बिठा लो ना साथ में, वो हो सकता है। वही तो बोलते हैं ना कि कई लोग बोलते हैं कि IQ ये सब बकवास की बातें हैं, सफल वही होता है जिसके पास PQ हो, परसिवरेंस को, मतलब जो भी है, जो लगातार जुझारू रूप से काम करता रहता है ना, बोरियत तो होती है, पढ़ाई करना किसको पसंद है, अच्छा थोड़ी लगता है। हर बार नई मैगजीन आ गई, ये कोई क्या यार, अभी तो पढ़ी थी पिछले महीने, तो बात यह कि पोस्टिंग भी तो भाई IAS दे रहे हैं ना, कोई मजाक थोड़ी है, IPS कोई मजाक थोड़ी है, कितना एक जिला संभालने का बोलोगे, वहाँ पे आपको 4-4 दिन तक, मतलब कोई कुछ भी एक्टिविटी हो गई 4-4 दिन तक आपको अड़े रहना पड़ेगा, आप तो बोलोगे नहीं भाई 5 मिनट में मेरी तो, और आप तो CAPF में जा रहे हो मेरे भाई ये तो सबसे हार्ड है आर्मी, तो वो चीज़ है कि रुके रहना पड़ेगा। Thank you.